आई एम रेचल एंड यू आर वॉचिंग तहजीब. और इस तहजीब प्रोग्राम में एक सेगमेंट होता है ले फन, जिसमें आज आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ और मैं आपसे कुछ बातें करूँगी अपने करियर के हवाले से. थोड़ी बहुत पर्सनल भी हो जाएंगी, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेशन. बचपन में मैं बहुत नॉटी नहीं थी, बट शरारतें तो हर बच्चा करता है, थोड़ी बहुत मैं भी करती थी. और पढ़ाई में मैं इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई से बिल्कुल मतलब मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी पढ़ाई करना. लेकिन आपको पता है, जब माँ बाप बोलते हैं तो फिर करना पड़ता है. एक्ट्रेस में पाकिस्तानी मुझे सानिया सईद बहुत पसंद है, और सिंगर्स में मुझे सजाद अली और अहमद जहांज़ेब बहुत पसंद हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है वो बहुत सुरीले हैं, उनके रियाजत है. और अब मुझे फ्यूजन के जो हैं शफकत अमानत अली, वो बहुत अच्छी उनकी आवाज़, उनका सुर, क्योंकि उनका एक पूरी एक फैमिली इन्वॉल्व है म्यूज़िक में, और उनके तो बाकायदा एक बुनियाद ही म्यूज़िक है, तो ऑब्वियसली वो तो अच्छे होंगे. लेकिन मतलब ये तीनों हमारे पॉप ले लें या हमारे जो सिंगर्स हैं पाकिस्तान, कहते हैं कि तीनों बहुत सुरीले हैं, इनको कोई भी आप गाना दोगे दे यू नो दे संग इट वेरी वेल. और बहुत इजी, मतलब इनके ईज है एक सिंग में जो हमारे आजकल के सिंगर्स में नहीं मिलती. फिल्म से अगर मुझे ऑफर हुई तो डेफिनेटली करूँगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि फ़िल्म कैसी. अगर मुझे पंजाबी फिल्म, एक्चुअली मुझे पंजाबी फिल्म ऑफ़र हुई थी और मैं पहले तो हंसी थी काफ़ी, लेकिन क्योंकि पंजाबी मतलब मुझे आती है पंजाबी बोलना, बट मेरा वो मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा वो एटीट्यूड नहीं है कि मैं पंजाबी फिल्म करूँगी. और उर्दू फिल्म भी जो बन रही है उसमें भी बहुत मतलब हर कोई अच्छी फिल्म तो बन नहीं रही. मेरा पहला फैशन शो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था वो HSY का था, एंड आई एम वेरी लकी कि मैंने अपने स्टार्ट में ही बड़े डिज़ाइनर्स के साथ उनके शोज़ किए, उसके शूट्स किए. तो मॉडलिंग में तो आप जितना करो मेरा ख्याल है बहुत कम होता है, क्योंकि मॉडलिंग में इतनी वैरायटीज़ हैं, मॉडलिंग में इतने अच्छे डिज़ाइनर्स आ गए, इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं. और उसके बाद फिर मेरा फैशन शो हम लोगों ने किए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो होते रहते हैं. फिर हम जॉर्डन गए, फिर मैं मस्कत गई शेरू के शो के लिए, HSY के शो के लिए दो दफ़ा. फिर सारे तो बहुत होती रहती हैं, मैं लंदन जा रही हूँ इंशाल्लाह. उम्मीद है कि आपको आज मेरी बातें सुन के अच्छा लगा होगा और मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा. और तहजीब बहुत अच्छा प्रोग्राम है, स्पेशली हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं जो ज़्यादा फैशन से इन टच नहीं रह सकती. आई थिंक तहजीब एक वाहिद प्रोग्राम है जो आपको इन टच रखता है फैशन से रिलेटेड बातों में, हेल्थ के रिलेटेड बातों में. और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक तहजीब की पूरी टीम को. मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और wish you a best of luck in the future. Thank you.